हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शिक्षा विभाग के यूं तो कई कारनामे हरियाणा में हमने देखे ही हैं। मसलन परीक्षा में नकल के दौरान रोकने की नाकाम कोशिश हो या बेवक्त बेवजह दिए जाने वाले फरमान हो, लेकिन एक बार फिर शिक्षा विभाग ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है और परीक्षा लेने की जिम्मेदारी है पटवारी, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट पर, यानी फिर भैंस गई पानी में। पटवारी परीक्षा ले रहे हैं, क्लर्क इम्तिहान कंडक्ट करा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर से लेकर अकाउंट क्लर्क तक बच्चों के ज्ञान के आकलन की परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इस परिस्थिति को कहते हैं गई भैंस पानी में। जब शिक्षक की जगह पटवारी परीक्षा ले तो मतलब गई भैंस पानी में। पटवारी है, कनाल पटवारी है, जूनियर इंजीनियर है, क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, कोई इरिगेशन विभाग से है, कोई किसी और विभाग से, और ये परीक्षा करवा रहे हैं। और तो और इनको ना कोई ट्रेनिंग दी गई, ना कोई वर्कशॉप हुआ, लेकिन ये परीक्षा ले रहे हैं, मतलब गई भैंस पानी में। एक परीक्षा जो आकलन के लिए है, एक परीक्षा जिसे नाम दिया गया है सक्षम स्कूल योजना, उसे पूरा करवाने में क्या हमारे शिक्षक सक्षम नहीं रहे? क्या शिक्षा विभाग सक्षम नहीं रहा? परिस्थिति ये आ गई कि अलग अलग विभाग के लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ गई। शायद ऐसी परिस्थिति को ही कहते हैं गई भैंस पानी में। हालांकि शिक्षा मंत्री महज दो दिन पहले ही शिक्षकों के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे थे, कसीदे गढ़ रहे थे। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान में अध्यापकों को समर्पित है। आज हरियाणा राजभवन में महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में हमने 40 अध्यापकों को सम्मानित किया। 1996 से पहले यह संख्या केवल 11 अध्यापकों को प्रदेश के सम्मान से सम्मानित किया जाता था। शिक्षक नाराज हैं, इसे अपना अपमान बता रहे हैं, शिक्षा के निजीकरण का रास्ता करार दे रहे हैं। लेकिन सबके बीच सोचना तो होगा ही, शिक्षा विभाग बार बार आखिर ऐसे कारनामे करता ही क्यों है कि हर बार बात बिगड़ ही जाती है। कुल मिलाकर परिस्थिति यही है कि एक बार फिर गई भैंस पानी में। कलावली से जगदीश प्रजापति, बनारस से अनिल और अंबाला से सरिता धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।